ये सवाल बचकाना है, तुम विनाश के देवता हो हेक्टर। सवाल ये है कि तुम किसे मारना चाहते हो? अल्बर्ट, क्या ये परी तुमसे बात कर रही थी? खूब पहचाना सैम, लेकिन इसकी भाषा सिर्फ मुझे ही आती है। क्या हुआ, क्या कहा उसने? वो इसी जंगल में है। हेक्टर! 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 One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself of a time when I, in spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so, things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. Sam, हम बहुत थक चुके हैं, थोड़ी देर इधर ही रुकते हैं, वो हमसे ज्यादा दूर नहीं होगा। I had to fall to lose it all. वो इसे देख के हम तक आ जाएगा। वैसे इस छड़ी का नाम क्या है? ये प्रिक्चिंग छड़ी है, एक शक्ति छड़ी जो बहुत अतुल्य है और बहुत ताकतवर भी। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, देखो ना। वाह, कैरेक्टर सच में इससे ज्यादा ताकतवर है? हाँ बेशक। तुम गलत हो, वो एक डरफोक है और उसे जादू करना भी नहीं आता। क्या क्या कहा तुमने? हाँ सच कह रहा हूँ, उसे तो जादू करना आना चाहिए था, वो तो विनाश का देवता है। क्या कहा, विनाश का देवता? हाँ, तुम नहीं जानते, तुम तो उसके साथ हफ्तों रह चुके हो, तुम नहीं जानते। ये बात तो वो भी नहीं जानता। सैम! हेक्टर, तुम आ गए। डरफोक हेक्टर, आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं डरफोक नहीं हूं। वैसे मैं क्या नहीं जानता सैम,
यही कि तुम विनाश के देवता हो। मैं जानता हूँ। क्या क्या कहा? हाँ मैं जानता हूँ, अभी भी मुझे परछाइयों ने बताया है। लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। ये नहीं हो सकता, परछाइयां आधा सच बताकर हमें गुमराह करती है। तुम वो नहीं हो सकते। नहीं सैम, उन्होंने मुझे मरने की बात ये बताया है। हे हेक्टर, क्या तुम मर चुके हो? नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ, वो बाद में बताता हूँ। तुम बोने हो क्या? हाँ, हमारा नाम एल्बर्ट है। मुझे बताओ, उन परछाइयों ने तुम्हें क्या कहा? ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कि मैं विनाश का देवता हूँ और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं किसी को मारने वाला हूँ। हेक्टर, क्या तुम जादू करना जानते हो? नहीं नहीं एल्बर्ट, मैं जादू करना नहीं जानता। तो तुम किसे मारने वाले हो? ये तुम कैसी बात कर रहे हो सैम? मैं किसी को क्यों मारूंगा? मैं किसी को मार भी सकता हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है? सैम, वो छड़ी मुझे वापस करो अभी। पर मैं मार सकता हूं। सैम, क्या ये बोना अच्छा आदमी नहीं है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, हम हमारे घर में ही ठीक है, यहां नहीं। अब घर लौट चलते हैं सैम। और एक बात बताना तो मैं तुम्हें भूल ही गया, जब मैं यहां आ रहा था तब एक ड्रैगन ने मुझ पर। मैं ग्रीड ऑर्सन हूँ। ओके, क्या कहा? मैं ग्रीड ऑर्सन फैमिली से हूँ। अरे बाप रे, और एक ग्रीड ऑर्सन, क्या बात है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ से चलो, मैं समझाता हूँ। हाँ ठीक है। अब मुझे समझा, आखिर यह चल क्या रहा है? समझने समझाने का वक्त खत्म हो गया दोस्त। ये तो दुनिया में की सबसे शक्तिशाली छड़ी है। क्योंकि कोरम की शक्ति आज भी इस छड़ी में मौजूद है और हेक्टर अलादीन के साथ साथ कोरम का भी वंशज है। खैर, तुम्हारा चेहरा तो सामने आया असली। क्यों सैम, मेरा कसूर तो मुझे बता, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हारा अदृश्य जोगा चाहिए। भागने की कोशिश मत करना। अपने आप को संभालो हेक्टर, शांत हो जाओ। रुको रुको।
हमारे घर की टूट चुकी, सूरज से नजरें भिड़ चुकी, हम चल पड़े हैं आसमां, अब टूट चुकी है बेड़िया, गिरकर उठना सीख चुका मैं, मर कर जीना सीख चुका, अब साथ किसी का ना मांगू मैं, धोखा गहरा देख चुका। सच है मैं एक दानव, मैंने पूरे जंगल को तबाह कर दिया। जो हो गया उसे भूल जाओ हेक्टर। शायद सैम सही था, इसीलिए वो मुझे मारना चाहता था। सैम नहीं, ग्रिडोर्सन कहो उसे हेक्टर। वो ग्रिडोर्सन तुम्हें मारना चाहता है, इसका मतलब तुम अच्छे आदमी हो। ग्रिडोर्सन? तुम उसे ग्रिडोर्सन क्यों कहते हो? क्योंकि वो ग्रिडोर्सन फैमिली से है, और ग्रिडोर्सन फैमिली अब तक दहशत के लिए जानी जाती है, और ग्रिडोर्सन फैमिली का हर एक शख्स बुरा ही साबित हुआ है।